हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले शारदा क्रॉप केमिकल के बारे में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आप सबसे पहले आपको शारदा क्रॉप केमिकल लिमिटेड के बारे में बताएंगे। ये इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए केमिकल बनाती है। काइंड ऑफ मतलब फर्टिलाइज़र जैसे बनाती है, जहाँ पे ये जेनेरिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है बनाने के लिए, और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं शारदा क्रॉप केमिकल लिमिटेड। कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे, इनका सेक्टर का पीई है 29.43। अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो इसका पी सिर्फ 15.71 है, तो ये अभी आपको सस्ते रेट्स में मिल रहा है। और सेक्टर का पी बी है 2.62 और कंपनी का जो पी बी है वो है 1.84। तो सेक्टर के पी बी से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये भी आपको अच्छे रेट्स में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.39%, सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.05%। तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2587 करोड़ का है। 20-day एवरेज डिलीवरी, मतलब लोगों ने कितनी, 20 दिन का अगर एवरेज निकाले तो लोगों ने कितनी डिलीवरी उठाई है, 72,271 इतने शेयर्स लोगों ने उठाए हैं। और इसका बीटा है 0.72। अगर मार्केट ऊपर चढ़ता है तो ये भी 0.72 के बीटा से ऊपर चढ़ेगा और वाइस वर्सा। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी का हर साल रेवेन्यू इट मीन सेल्स हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि 2017 में 1.41,000 करोड़, फिर 1.72,000 करोड़, 2.01,000 करोड़, 2.04,000 करोड़। तो कंपनी का हर साल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो 2017 में 0.19,000 करोड़ था और 2018 में भी 0.19,000 करोड़ था। लेकिन 2019 और 20 में भले ही इनका सेल्स बढ़ा है लेकिन एक्सपेंडिचर्स की वजह से 2019 और 20 में इनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो बहुत ही अच्छा खासा है, 74.82%, और म्यूचुअल फंड्स के पास है 16.93%, DIIs के पास 0.0%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो FIIs है उनके पास है 4.35%, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है 3.89%। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छी खासी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट, कंपनी का हर साल सेल्स देखोगे, और यहाँ पे हमने क्वार्टरली स्टेटमेंट दिया है तो कंपनी का हर क्वार्टर वाइज सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे 388 करोड़, 424 करोड़ एंड दिसंबर 2020 में 493 करोड़। जैसे कि अदर इनकम कंपनी की कांस्टेंट है तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो 503 करोड़ इन दिसंबर 2020। एक्सपेंडिचर्स भी कंपनी के अच्छे खासे हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मेन इनकम है वो है 78 करोड़ की, इंटरेस्ट और टैक्स हटा के 48 करोड़ इनके पास नेट प्रॉफिट बचता है, जो जून और सेप्टेम्बर क्वार्टर से ज़्यादा है। रिटर्न रेशोज़ कंपनी के अच्छे नहीं है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के इक्विटी टोटल इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलता है तो हर साल डिक्रीमेंट है 16.81 से 13.73 और 2020 में 11.73। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल के प्रॉफिट पे कितना रिटर्न मिलता है तो वो भी कंपनी का अच्छा नहीं है, हर साल डिक्रीज़ हो रहा है 23.86 से 17.63 और मार्च 2020 में 12.53। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी अच्छे नहीं है कंपनी के, हर साल डिक्रीज हो रहा है 8.56 से 7.01 पे आ गया है मार्च 2020 में। लेवरेज रेशो है कंपनी का तो ये बहुत ही अच्छा है कि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। जैसे कि मार्च 2018 में 0.15 था, तो 19 और 20 में कंपनी का डेट ज़ीरो हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखोगे तो इंक्रीमेंट में है, जैसे कि मार्च 2018 में 60.19 था, 2019 में डिक्रीज होकर 29.01, लेकिन 2020 में 97.43। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। और ये क्या बता रहा है कि आप ये मत समझिए कि डेट नहीं है, डेट नहीं है तो क्या हुआ, छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ होती है जैसे कि करंट लाइबिलिटीज़, BOD होता है, और भी ऐसी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही अच्छा है।
तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 290.45 और 3.60 रुपीज़ का मोमेंटम था, 1.25% रुपीज़ ऊपर है ये, और हाई अगर आप देखोगे तो 570, तो क्या आप इसमें डाल सकते हो? तो मैं बोलती हूँ अगर मेरा मानोगे तो आप इसमें अभी थोड़ा बहुत डाल सकते हो, क्योंकि ये ऊपर जा सकता है, ये थोड़ा जून के महीने में थोड़ा नीचे आता है, लेकिन अभी आप डाल के निकाल सकते हो इसको और उसके बाद जून में फिर से गिरे तो उसके बाद फिर से खरीद सकते हो आप। तो अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो, और फिर भी आप एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।